हेलो फ्रेंड्स, मैं नीति गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम गाजर और मूली की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, आप इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम इस रेसिपी को बनाते हैं। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यहाँ मैंने 250 ग्राम गाजर और मूली ले लिए, 250 ग्राम यहाँ मैंने गाजर ले लिए, 250 ग्राम यहाँ मैंने मूली यूज की। इनको मैंने छील कर धुल कर अच्छी तरीके से लंबे लंबे टुकड़े काट लिए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसके टुकड़े काट लेंगे। आप गोल हैं तो गोल भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े लंबे लंबे टुकड़े ले लिए हैं ताकि ये थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसमें मटर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने गाजर मूली का यूज किया है। इनको हम अच्छी तरीके से धुल लेंगे और अच्छे से पोंछ लेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। लगभग यहाँ मैंने अगर 250 ग्राम गाजर मूली लिया है तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच यहाँ नमक का यूज किया है। और इसमें हम कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी का यूज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हल्दी का यूज मैं कर रही हूँ। और इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर दोस्तों, अगर आपको ऐसा नहीं करना हो तो इसका दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा पानी आप गर्म कर लें और उसमें ये गाजर और मूली डाल लें और उसको निकाल लें ताकि इनका जो थोड़ा वो जो एक्सेस पानी रहेगा वो निकल जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम नमक लगा कर इनको रख देंगे ताकि जो मूली में से जितना भी जो पानी है वो पूरा निकल जाए, इनमें से गाजर या मूली में जितना भी जो एक्सेस पानी रहेगा वो निकल जाए। इसको हम इसी तरीके से थोड़ा तिरछी खाली करके इसको ऐसे ही रहने देंगे जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने जीरा और सौंफ ले लिया है, थोड़ी सी यहाँ मैंने अजवाइन यूज़ किया है, सब मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है, थोड़ी सी यहाँ मैंने काली राई ले ली है और हल्का से यहाँ मैंने मेथी दाना यूज किया। इन सबको हल्के से रोस्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई और 1 से ज्यादा चम्मच थोड़ा सा मैंने अजवाइन यूज किया और थोड़े से मेथी दाना लिए है। इन्हें हमें थोड़ा सा लो फ्लेम पर रोस्ट करना है ताकि जब हम इन्हें पीसे तो अच्छी तरीके से ये हमें इन्हें दरदरा फूटना रहेगा, हमें इन्हें प्रॉपर नहीं पीसना है। आप ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको क्वांटिटी में ज़्यादा लेना है तो आप क्वांटिटी में ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हमें ये सेकंड चीज़ ये भी याद रखना है कि बिल्कुल आप लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करें, इनका कलर ज़्यादा चेंज ना हो। इसी तरीके से हम लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करते रहेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को अंत तक जरूर देखें और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, हम सारे मसालों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है दोस्तों, आप पराठे, पूरी या रोटी के साथ भी इसे ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। और 10 से 15 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। सफ़र में भी आप इस तरीके से अगर गाजर मूली का जो अचार है वो बनाकर लेके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम डिफरेंट टेस्ट के साथ। अभी सर्दियों का सीज़न है तो गाजर मूली भी हमारे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप ये रेसिपी डेफिनेटली अभी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से रोस्ट करते रहेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन्हें रोस्ट करते रहना है। रोस्ट करने के बाद दोस्तों, मैंने इस कुटनी में कूट लूंगी क्योंकि हमें इन्हें दरदरा कूटना है, हमें इन्हें बारीक नहीं पीसने। अगर आपको बारीक चाहिए हो तो आप मिक्सी में पीस लें, लेकिन हम इसे सिर्फ दरदरा ही पीसेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से मैं सारे मसालों को इसी में कूट लूंगी ताकि ये थोड़े से दरदरे हो जाए। ध्यान रखना है, हमें एकदम से बारीक नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से हम कूटते रहेंगे। अच्छा सा दरदरा हम इन्हें कर लेंगे। अगर आप बारीक करना है तो आप बारीक करें, लेकिन अगर आप बारीक करेंगे तो बिल्कुल पाउडर रहेगा तो उसका जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। आप इसे सिर्फ बारीक बारीक दरदरा ही करें। ये देखिए, हम इस तरीके से मैंने ये जो सारे जो रोस्ट किए हुए मसाले थे वो अच्छे से दरदरे कर लिए। ये देखिए, दरदरे कर लिए हैं मैंने। अब हम एक पैन में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। जब सरसों का तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छे इसमें से धुआं निकलने लगे, तब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग अच्छी मात्रा में डालें। अगर आपको हींग का फ्लेवर अच्छा पसंद हो आप अच्छी मात्रा में हींग डालें, अगर कम पसंद हो तो आप कम डालें। लेकिन ध्यान ये रखना, सरसों का तेल बिल्कुल धुआं छोड़ने लगे तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। इसके बाद कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और जो हमारा कुटा हुआ मसाला था वो इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। गैस को यहाँ मैंने बिल्कुल बंद रखा है। जैसे ये तेल अच्छे से गर्म हो गया सरसों का, तब मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद ही मैंने सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए, जो सारे मसाले जो है इसमें सिक गए हैं। अब हम अपनी जो गाजर मूली है वो इसमें डाल देंगे और अगर गाजर मूली में से पानी निकला हो दोस्तों तो आप उसको हटा दें। जो भी एक्सेस पानी निकला था वो मैंने हटा दिया है, सिर्फ गाजर मूली ही मैंने इसमें डाल दिया है। आप जो थाली या किसी बर्तन में गाजर मूली में नमक हल्दी डालकर रखेंगे तो उसमें बिल्कुल पानी निकलेगा।
आप पानी को बिल्कुल हटा दें दोस्तों, और उसके बाद गाजर मूली जो है इसमें डाल दें। इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम इसे इसमें मिक्स करते रहेंगे जबकि सारे मसाले इसमें जो मिक्स ना हो जाए। गैस को यहाँ मैंने बंद रखा है, गैस बिल्कुल भी चालू नहीं है। मैं उसी जो तेल गरम है उसी में हम इसको मिक्स करते जाएंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, जैसा आपको टेस्ट हो उसके हिसाब से हम नमक ऐड कर दें, क्योंकि जितना पहले का था वो पानी के थ्रू निकल गया है, इतनी इसमें भी बिल्कुल नमक नहीं होगा। तो हमने हल्का हल्का इसमें सिर्फ नमक रहेगा, ज़्यादा नमक नहीं रहेगा जितना भी हमने पहले डाला था। इसको इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो गाजर मूली में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों अगर आपको इसमें मटर भी ऐड करना हो तो मटर ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप ऐड कर सकते हैं। जो चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करते हैं क्योंकि वेजिटेबल जो अचार है उसमें आप ये सब भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम इसी तरीके से मिक्स करके रख देंगे, और अगर आप खटाई के लिए चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने खटाई के लिए अच्छा सा नींबू का यूज़ किया है, लगभग यहाँ मैंने 2 से 3 इसमें नींबू डाले हैं तभी अच्छे से खट्टा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर या विनेगर वगैरह भी डाल सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन अभी नींबू भी बहुत अच्छा आ रहा है तो हम इसमें, और जब नींबू निचोड़ देंगे तो इसके जो चिकन है उसको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे ताकि इसमें जो नींबू का टेस्ट है वो बना रहे और बहुत टेस्टी भी लगता है। दोस्तों एक बार आप डेफिनेट ट्राई जरूर कीजिए, और सबसे अच्छी बात आप इसे 10 से 15 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप जो कुटा हुआ मसाला इकट्ठा बनाकर रख लें तो कभी भी आप थोड़ा थोड़ा करके डाल भी सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 3 नींबू का रस इसमें डाल दिया है, तभी अच्छे से खट्टा होगा क्योंकि तभी इसमें अच्छे से टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो विनेगर या अमचूर भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे तरीके से वो मिक्स कर लेंगे। जो हमारा अचार है वो देखिए तैयार हो गया है। दोस्तों आप एक बार जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा ये गाजर मूली का अचार। मटर भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं मटर ऐड करना भूल गई थी लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। इसको हम ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए और ये थोड़ा सा इसमें टेस्ट भी, सारे मसाले जो है वो अंदर ही अंदर अच्छे से हो जाए। ये देखिए हमारा जो गाजर मूली का जो अचार बनकर तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी कांच के बोल में या कांच की बर्नी में निकाल के रख लीजिए और 10 से 15 दिन आराम से इसे एंजॉय कीजिए। परांठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी, रोटी के साथ भी ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है, कम ऑयल के साथ, और हेल्दी अचार हमारा बनकर तैयार है। अभी इस सीजन में आप इसे फ्रिज में भी स्टोर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आराम से आप इसे बाहर रखें और इस अचार को एंजॉय करें। दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और अपना रिव्यू मुझे जरूर दें, कमेंट जरूर करें अगर रेसिपी पसंद आई हो। और दोस्तों आप इसे 10 से 15 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, सफर में भी आप इसे ले जा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी गाजर मूली का अचार बनकर तैयार है, एक बार इसे ट्राई करें और कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करें नित्या मॉम्स किचन। मिलती हैं दोस्तों अगली रेसिपी में, तब तक मेरी इस रेसिपी को एंजॉय करें। थैंक यू।